हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी लापरवाही छोटे बच्चों के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है, जो ना सिर्फ छोटे बच्चों को परेशान करती है बल्कि पेरेंट्स को भी परेशान करती है। तो ऐसे में अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे जनरल सेफ्टी रूल्स होते हैं जिन्हें हर पेरेंट्स को अपने छोटे बच्चे को जो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं जरूर बताना चाहिए। ये जनरल सेफ्टी रूल्स क्या है, इसे जानने के लिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन, छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट डिटेल और होम एड्रेस जरूर पता होना चाहिए। जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो पेरेंट्स को अपना कॉन्टेक्ट डिटेल और होम एड्रेस बच्चों को जरूर बताना चाहिए, जिससे वो किसी भी इमरजेंसी के केस में ये डिटेल दूसरों के साथ शेयर कर सके। रूल नंबर टू, किसी भी स्ट्रेंजर का कुछ भी दिया बच्चों को नहीं खाना है। हर पेरेंट्स को अपने छोटे बच्चों को ये बताना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेंजर उन्हें कुछ भी खाने को देता है तो बच्चों को नहीं खाना है। जैसा कि आपको पता है कि छोटे बच्चों को कोई भी खाने की चीजें लाइक टॉफी चॉकलेट दिखाकर उन्हें आसानी से अपनी तरफ बुलाया जा सकता है, तो ऐसे में बच्चों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर आपको कुछ भी खाने को देता है, भले वो आपका फेवरेट क्यों ना हो, आपको नहीं खाना है, नहीं लेना है। बच्चे अगर रीजन पूछते हैं कि क्यों नहीं लेना है, तो आप उन्हें रीजन बताएं और समझाएं कि कैसे स्ट्रेंजर टॉफी चॉकलेट देने के बहाने बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। रूल नंबर थ्री, बच्चों को नाइफ, सीजर, ब्लेड जैसी चीजों से दूर रखना। छोटे बच्चों को बताएं कि नाइफ, सीजर, ब्लेड इन्हें टच नहीं करना, इन्हें टच करना हार्मफुल होता है, क्योंकि इन सब चीजों को टच करने से बॉडी का कोई भी पार्ट कट सकता है, ब्लड आ सकता है। रूल नंबर फोर, आप अपने छोटे बच्चों को बताएं कि गीले हाथों से स्विच बोर्ड को टच नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको करंट भी लग सकता है। रूल नंबर फाइव, आप अपने छोटे बच्चों को समझाएं कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर घर का डोर नॉक करता है तो बच्चों को खुद से डोर ओपन नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है। रूल नंबर सिक्स, आप अपने बच्चों को बताएं कि पेरेंट्स को छोड़कर किसी भी और को अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करने देना है, अगर कोई ऐसा करता है तो बच्चे तुरंत आकर आपको बताएं। मीन्स आपको अपने छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना है। रूल नंबर सेवन, आप अपने बच्चों को रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में भी बताएं। उन्हें बताएं कि रोड क्रॉस करते समय पेरेंट्स के फिंगर को होल्ड करना है। आप अपने बच्चों को बताएं कि रोड पर दौड़ना नहीं है, लेफ्ट और राइट देखकर ही रोड को वॉक करके क्रॉस करना है। रूल नंबर एट, आप अपने बच्चों को समझाएं कि टीवी को ओपन करने के लिए खुद से प्लग को सॉकेट में ना लगाएं। रूल नंबर नाइन, आप अपने छोटे बच्चों को बताएं कि क्राउडी प्लेस पर बच्चों को अपने पेरेंट्स के हैंड को होल्ड किए रहना है, छोड़कर भागना नहीं है। रूल नंबर टेन, आप अपने बच्चों को सिखाएं कि गार्बेज को रोड पर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नए विजिटर हैं, मिस आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।